हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। बांग्लादेश टूर ऑफ न्यूजीलैंड स्टार्ट कल से होने वाला है। पहला वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा कल मैकलीन पार्क नेपियर पे। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वाली वीडियो के अंदर। कुछ प्लेयर इंजर्ड हैं, मेन प्लेयर जो शकीबुल हसन है, जो ऑलराउंडर हैं, जो बैकबोन है अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो वो इंजर्ड हैं इस वाले मैच में, वो खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगी वो न्यूजीलैंड की तरफ से भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेन्यू रहने वाला है मैकलीन पार्क नेपियर। 44 वनडे इंटरनेशनल पहले यहाँ पर हो चुके हैं। बैट फर्स्ट 17 बार जीती है, बॉल फर्स्ट जो है वो 24 बार जीती है। एवरेज फर्स्ट इन टोटल 241 रहा है, एवरेज सेकंड इन टोटल जो है 201 रहा है। पर ये बढ़ सकता है कल के मैच में आपको, क्योंकि बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड में इतना कुछ खास नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर बॉल इतनी ज़्यादा स्पिन नहीं होती, क्योंकि मेन जो है इनके पास स्पिनर्स ही, अगर हम देखें मुस्तफिजुर रहमान है और इनके पास मशरफी मुर्तजा ज़रूर है, पर इतनी ज़्यादा बॉलिंग शायद वहाँ ना चले, क्योंकि न्यूजीलैंड में अभी तक एक भी वनडे इंटरनेशनल जीती नहीं है। और अगर हम यही मैच अगर बांग्लादेश में हो रहा था तो कहीं ना कहीं बराबर का आप कह सकते हो टीम हो सकती थी, पर अब मैच न्यूजीलैंड में हो रहा है तो थोड़ा सा पलड़ा जो है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं न्यूजीलैंड का भारी है। अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो कहीं ना कहीं 300 जरूर बना सकती है। टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं उनकी तरफ हम जरूर नज़र रखेंगे। और अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी और भी जो बॉलर्स हैं जो खेल सकते हैं इस वाले मैच में, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को 220-230 तक ऑल आउट कर सकते हैं। तो सारी दिमाग में बातें रखने की कोशिश हम करेंगे। हाईएस्ट टोटल अगर मैं बात करूँ इस वाले ग्राउंड पर तो 373 हाईएस्ट टोटल है और 126 जो है लोएस्ट टोटल है। अब बात करते हैं लास्ट मैच जो मैकलीन पार्क पर हुआ था, ओडीआई इंडिया के अगेंस्ट हुआ था न्यूजीलैंड का। तो इंडिया के अगेंस्ट जो मैच था उसमें आप देख सकते हो कमर तोड़ दी थी एक तरह से कुलदीप यादव ने, मोहम्मद शमी ने और युजवेंद्र चहल ने। स्पिन इतनी अच्छी नहीं खेलते हैं न्यूजीलैंड, इंडिया वाले जो स्पिनर्स थे बहुत अच्छे थे, पर कहीं ना कहीं बांग्लादेश वाले प्लेयर्स को वो खेल सकते हैं। शकीबुल हसन वैसे भी नहीं है, सिर्फ मेहंदी हसन मिराज होंगे, और अगर हम देखें तो मोहम्मदुल्ला थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं इस वाले मैच में। तो ये सारे प्लेयर्स होंगे, शायद इनको टैकल कर जाएगी न्यूजीलैंड। 157 रन बनाए थे इस मैच में उन्होंने, जिसमें 64 रन केन विलियमसन ने करे थे, रॉस टेलर ने 24 रन करे थे, कुलदीप यादव ने 4 विकेट ली थी, मोहम्मद शमी ने 3 विकेट ली थी और 2 विकेट ली थी युजवेंद्र चहल ने, और 1 विकेट ली थी केदार जाधव ने। तो अब बात करते हैं इंडिया की टीम की तरफ, तो 156 रन बनाए थे इंडिया ने, जिसमें बात करें शिखर धवन ने 75 रन कर दिए थे, विराट कोहली ने 45 कर दिए थे, डग ब्रेसवेल और लॉकी फर्गसन को 1-1 विकेटें मिली थी। अब बात करते हैं वेदर की, तो वेदर सनी रहने वाला है, पूरा धूप खिली रहेगी, बारिश होने की यहाँ पर कोई भी चांसेस नज़र नहीं आ रहे। डे नाइट मैच वैसे भी ये है। बात करते हैं टोटल टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की जो प्लेइंग 11 होगी उसमें जो कॉलिन मनरो है उनको पहले दो मैच में स्क्वाड में भी अनाउंस नहीं किया हुआ है, तो कॉलिन मनरो तो खेलते हुए नजर आएंगे नहीं। और मार्टिन गप्टिल जो है वो कहीं ना कहीं पूरे फिट हो चुके हैं, तो वो सीधा सीधा आपको खेलते हुए नजर आएंगे इस वाले मैच में। तो हेनरी निकल्स जो है और गप्टिल दोनों के दोनों ओपन करेंगे। नंबर 3 पे केन विलियमसन ही आएंगे, फिर नंबर 4 पे रॉस टेलर है, नंबर 5 पे लेथम है, नंबर 6 पे नीशम आएंगे, फिर कॉलिन डी ग्रैंड होम है, सैंटनर है, टॉड एस्टल है और ट्रेंट बोल्ट है। कहीं ना कहीं ये जो 10 प्लेयर हैं वो कहीं ना कहीं कन्फर्म आप कह सकते हो। बस मैट हेनरी ने लास्ट मैच में 4 विकेट ली थी इंडिया के अगेंस्ट, तो इनको भी बाहर मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए और ना ही न्यूजीलैंड करेगी जहां तक मुझे लगता है। तो ये भी कहीं ना कहीं सेफ आपके लिए हो सकते हैं, पर थोड़ा सा रिस्की जरूर रहेगा, क्योंकि टीम साउदी और लॉकी फर्गसन को ट्राई भी कर सकती है मैट हेनरी की जगह, क्योंकि पहले भी इंडिया के अगेंस्ट अगर मैंने देखा था कि मैट हेनरी को लास्ट के दो मैचेस में ही ट्राई किया था, तो ऐसा भी हो सकता है इस वाले मैच में मैट हेनरी को बिठाया जा सकता है, थोड़ा सा रिस्क जरूर बना रहेगा। तो सारी बातें करेंगे ड्रीम इलेवन टीम जब मैं आपको दिखाऊंगा वहां पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अब चलते हैं बांग्लादेश की टीम की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शकीबुल हसन जो कि इनकी बैकबोन है वो नहीं है इस वाले मैच में, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ऑलराउंडर हैं जबरदस्त, तो वो इस वाले मैच में नहीं है, थोड़ा सा इंजर्ड उनको चल रहे हैं। तमीम इकबाल और लितिन दास जो है वो ओपन करते हुए आपको नजर आएंगे। तमीम इकबाल को इंजरी हुई थी एशिया कप में, आपको याद होगा पहले ही मैच में हाथ में या उंगली उनकी फ्रैक्चर हो गई थी, उसके बाद से अभी वापसी कर रहे हैं। फिर आप देख सकते हो सौम्य सरकार है नंबर 3 पे, फिर आप यहाँ पर नंबर 4 पे अगर मैं बोलूँ तो मुशफिकुर रहीम रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर बैटिंग में देखें तो मुशफिकुर रहीम, तमीम इकबाल और मोहम्मदुल्ला, ये जो 3 प्लेयर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कोशिश करना इन तीनों प्लेयर्स को अपनी टीम में रखें, और शकीबुल हसन होते तो चौथे शकीबुल हसन होते। मोहम्मद मिथुन 5वें नंबर पर आप कह सकते हो आएंगे, और 6ठे नंबर पर मोहम्मदुल्ला आएंगे। फिर आप देख सकते हो 7वें नंबर पर आएंगे शब्बीर रहमान बैन लग गया था उनके ऊपर, वो वापस आ रहे हैं अब। फिर मोहम्मद सैफुद्दीन होंगे, फिर होंगे मेहंदी हसन मिराज जो कि अच्छे स्पिनर है और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, और मशरफी मुर्तजा होंगे, और होंगे मुस्तफिजुर रहमान। ये सारे MMM थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, तो मुस्तफिजुर रहमान होंगे 11वें नंबर पे। तो ये इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब मैं चलता हूँ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की तरफ। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में अगर मैं बात करूँ केन विलियमसन, गप्टिल, निकल्स, क्योंकि टॉप 3 प्लेयर जो है वो आपको जरूर लेने हैं न्यूजीलैंड के, ये टॉप 3 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। शायद रॉस टेलर की इतनी ज़्यादा बैटिंग ना आ पाए, क्योंकि अगर पहले बैटिंग करती है
बांग्लादेश और जल्दी आउट हो जाते हैं, क्योंकि चांसेस भी हैं अगर बॉल स्विंग होती है तो ट्रेंट बोल्ट को खेलना इतना आसान नहीं होगा उनके लिए, अगर जल्दी आउट हो जाती है तो ये तीन भी मैच खत्म कर सकते हैं, तो ये वाला दिमाग में भी रखने वाली बात। ट्रेंट बोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको मिस मत करना, और मुशफिकुर रहीम सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है बांग्लादेश की टीम के, एशिया कप में भी हमने देखा था दो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने खेली थी। अब ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ तो हेनरी निकल्स बहुत अच्छा रहेंगे, बहुत कम लोगों ने लिया है, मार्टिन कपटिल को बहुत कम लोगों ने लिया है, दोनों कहीं ना कहीं शतक बना सकते हैं इस मैच में, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है नहीं बांग्लादेश का, पर क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, पर फिर भी पलड़ा भारी न्यूजीलैंड का ही रहेगा, इनके बैट्समैन का रहेगा। सोमे सरकार, लिटन दास, इनको भी ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। अगर मैं बात करूँ मेहंदी हसन और मैट हेनरी को भी 16-17 या 19% लोगों ने लिया हुआ है, तो उनको भी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। इंडिया के अगेंस्ट जब ये 4 विकेट ले सकते हैं तो बांग्लादेश के अगेंस्ट भी ये 4 विकेट ले सकते हैं, और 4 विकेट बहुत ज़्यादा पॉइंट होता है, 12.1 विकेट का होता है ड्रीम इलेवन में। तो सीधा चलता हूँ मैं ड्रीम इलेवन की तरफ और टीम दिखा देता हूँ क्या मैंने बनाई हुई है, क्या मैंने टीम फॉर्म की हुई है। तो विकेट कीपर के सेक्शन में मुशफिकुर रहीम ही बनते हैं, इनको ही लेना बनता है। टॉम लेथम के पास 5वें नंबर पर बैटिंग करने आएंगे, और मुशफिकुर रहीम कहीं ना कहीं बैटिंग भी अच्छे करेंगे, टॉम लेथम भी बैटिंग अच्छी करेंगे, पर कहीं ना कहीं बैटिंग ना आए ऐसा भी खतरा बना हो सकता है टॉम लेथम के ऊपर। तो अब 4 जो बैट्समैन मैंने लिए उसमें केन विलियमसन है, तमीम इकबाल को मैंने लिया हुआ यहाँ से, मार्टिन गप्टिल को लिया और हेनरी निकल्स को लिया हुआ। यहाँ से एक ऑप्शन जो था आपके पास वो था रॉस टेलर का, चाहो तो बिल्कुल सेफ अगर आप होना चाहते हो तो टॉप 4 बैट्समैन भी ले सकते हो, केन जैसे जिसमें आप ऐड कर सकते हो रॉस टेलर को, क्रेडिट यहाँ पे बचे हुए एक बॉलर छोड़ करके या एक ऑलराउंडर छोड़ करके आप रॉस टेलर को ले सकते हो, आपकी न्यूजीलैंड की जो टीम होगी एक तरह से पैक हो जाएगी पूरी की पूरी। तो वहां पर भी आप रिस्क अगर नहीं लेना चाहते इस मैच में तो ये हो सकता है, थोड़ा सा रिस्क लिया है मैंने रॉस टेलर को छोड़ के। नीचे से जो ऑप्शन बचेंगे वो सौम्य सरकार बच रहा है, लिटन दास बच रहा है, मोमिनुल हक शायद नहीं खेलेंगे, ऐसा कर देखें सब्बीर रहमान बच रहा है और मोहम्मद मिथुन ऑप्शन बच रहे हैं आपके पास, इनको आप ट्राई कर सकते हो। 3 जो ऑलराउंडर हैं उसमें मैंने लिया हुआ है जिमी नीशम को, शकीब अल हसन नहीं खेलेंगे तो उनको आपको नहीं लेना है। जिमी नीशम को मैंने लिया हुआ है, मिचेल सैंटाना को ले सकते हो, स्पिन बॉलिंग करते हुए आपको नजर आएंगे, अच्छी स्पिन कर सकते हैं, विकेट निकाल सकते हैं। मैंने दो ऑलराउंडर की तरफ गया हूं जिसमें मोहम्मदुल्लाह साले मैच में बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि नहीं है शकीब अल हसन, और प्रैक्टिस मैच में भी हमने देखा था कि मोहम्मदुल्लाह ने 2-3 विकेटें निकाली थी, तो हो सकता है यहाँ पे अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। मेहदी हसन मिराज कहीं ना कहीं कुछ एक टीम में फेवरेट प्लेयर्स होते हैं, एक वो कहीं ना कहीं एक फेवरेट प्लेयर है क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कहीं ना कहीं बैटिंग बॉलिंग कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं ड्रीम इलेवन पॉइंट जरूर दिलाते हैं, तो मेहदी हसन मिराज मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी रहेंगे और मैंने लिया भी उनको। कॉलिन डी ग्रैंडहोम को आप ट्राई कर सकते हो, ये भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं और बैटिंग कर सकते हैं, फॉर्म भी इनकी ठीक चल रही है, लास्ट 2 T20 से इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने रन भी करे हैं। अब बात करूँ ट्रेंट बोल्ट की, तो यहाँ से ट्रेंट को मैंने लिया हुआ है। देखो अब आपको बिल्कुल सेफ होना तो मैं एक ऑप्शन बताऊंगा, देखो मुस्तफिजुर रहमान तो मैंने रखा ही है, अब यहां से जो बिल्कुल सेफ ऑप्शन है मेरे हिसाब से वो रहेगा मैट हेनरी को, मैंने यहां पे लिया जरूर है पर आप ऐसा मत करना अगर आपको रिस्क लग रहा है, तो यहां से ले लेना आप मशरफी मुर्तजा, और यहां से अगर मैं बोलूं तो मोहम्मदुल्लाह या फिर मेहंदी हसन मिराज में से किसी एक को छोड़ करके आप जा सकते हो कॉलिन डी ग्रैंडहोम की तरफ, या फिर आप जा सकते हो मिचेल सैंटनर की तरफ, इन दोनों की तरफ जा सकते हो, कहीं ना कहीं थोड़े से सेफ प्लेयर होंगे। अगर मान लीजिए हम लेते हैं मिचेल सैंटनर और यहाँ से हम लेते हैं हम हटाते हैं मोहम्मदुल्लाह को, तो क्या टीम बनती है, इस तरह से ये टीम बनेगी जो कि मेरे हिसाब से लगभग सारे के सारे प्लेयर्स ये खेलने चाहिए, जितने भी प्लेयर्स हैं 11 के 11 खेलेंगे ये वाले, मुझे ऐसा लगता है। तो ये एक सेफ टीम बना सकते हो अगर आप चाहो तो, पर लोग ट्राई ज़रूर करेंगे न्यूजीलैंड के बॉलर लेना, न्यूजीलैंड के बॉलर कहीं ना कहीं 10 विकेट जरूर निकालेंगे इस वाले मैच में, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए एक रिस्क लेते हुए मैंने मोहम्मदुल्लाह को हटाया है, और यहाँ से जैसा कि मैंने आपको बताया एक बार वापस से कर लेते हैं, यहाँ से सॉरी मोहम्मदुल्लाह को नहीं, यहाँ से मैंने हटाया है मशरफी मुर्तजा को, और यहाँ से मैंने वापस ले लिया मैट हेनरी जो कि थोड़े से रिस्की रहेंगे, तो ये दिमाग रखना अगर नहीं खेलते मैट हेनरी कल तो सरप्राइज मत होना कि नहीं खेले, ये मत बोलना, रिस्क जरूर रहेगा। अब कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं, तो कैप्टन बना रहा हूँ केन विलियमसन को, कहीं ना कहीं सॉलिड बैट्समैन है, इनकी बैटिंग मेरे हिसाब से आनी चाहिए पूरी और रन से कर सकते हैं, कैप्टन केन विलियमसन है। चाहो तो मार्टिन गप्टिल, हेनरी निकल्स, मैं बोलूँगा इन तीनों में से किसी के पास जाना क्योंकि इनके पास भरपूर मौका होगा रन बनाने का। अब चाहो तो बांग्लादेश की टीम से अगर मैं बोलूँ तो मुशफिकुर रहीम की तरफ जा सकते हो, मोहम्मदुल्लाह भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। वाइस कैप्टन मैंने इस वाले मैच में ट्रेंट बोल्ट को बना रखा है, तो एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं, प्रीव्यू आप देख लो एक बार। यहाँ से कैप्टन मेरे विलियमसन रहने वाले, वाइस कैप्टन ट्रेंट बोल्ट रहने वाले, ऑप्शन मार्टिन गप्टिल का बहुत अच्छा रहेगा, हेनरी निकल्स हैं, मुशफिकुर रहीम है, और आप देख सकते हो मोहम्मदुल्लाह, ये बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आपके पास रहने वाले। तो इतना ही था इस वीडियो में, होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, लाइक का बटन दबा के जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।